हरियाणा में नायब कैबिनेट का विस्तार हो गया है। चंडीगढ़ में हुए शपथ ग्रहण समारोह में कैबिनेट मंत्री और 7 राज्य मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। नायब कैबिनेट में 7 नए शहरों को जगह मिली है, जिनमें विधायक अभय यादव, असीम गोयल, सुभाष सुधा, सीमा त्रिखा, संजय सिंह और विशंबर वाल्मीकि शामिल हैं। हरियाणा में नायब कैबिनेट का विस्तार हो गया है। नायब कैबिनेट में 1 मंत्री और 7 राज्य मंत्रियों को जगह दी गई है, जिन्हें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के जरिए नए चेहरों को सरकार में मौका दिया गया। कैबिनेट विस्तार के मौके पर सबसे पहले कमल गुप्ता ने मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली। कमल गुप्ता हिसार से बीजेपी के विधायक हैं। इससे पहले मनोहर सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। कमल गुप्ता 2014 और 2019 में हिसार विधानसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं। कमल गुप्ता ने 1996 में हिसार से पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था, हालांकि तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2014 के चुनाव में जीत के बाद कमल गुप्ता को CPS बनाया गया था। विधायक अभय सिंह यादव को भी नायब कैबिनेट में जगह मिली है। उन्होंने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ ग्रहण की। अभय सिंह यादव महेंद्रगढ़ जिले की नांगल चौधरी सीट से विधायक हैं। उन्होंने 2014 और 2019 में नांगल चौधरी सीट से बीजेपी की टिकट पर जीत दर्ज की। उन्हें 2020 और 21 के लिए हरियाणा विधानसभा का सर्वश्रेष्ठ विधायक भी चुना गया था। मुख्यमंत्री जी और हरियाणा सरकार की जो प्राथमिकता रहेगी उसके अनुरूप काम करेंगे। एक आखिरी सवाल है, लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं और हरियाणा में किस तरह देखते हैं चुनाव को, किस तरह से तैयारी आगे करेंगे? हम बड़ी मजबूत स्थिति में लोकसभा में 10-10 जीतेंगे। देखिए, हमारी सरकार ने दक्षिणी हरियाणा में पानी की स्थिति सुधारने के लिए बहुत काम किया है और इसको और भी आगे बढ़ाएंगे। बड़खल से विधायक सीमा त्रिखा को भी नायब कैबिनेट में शामिल किया गया है। उन्होंने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ ग्रहण की। सीमा त्रिखा बड़खल विधानसभा सीट से बीजेपी की विधायक हैं और पंजाबी समुदाय से आती हैं। सीमा त्रिखा इससे पहले मुख्य संसदीय सचिव भी रह चुकी हैं। सीमा त्रिखा ने पहली बार 2014 में विधानसभा का चुनाव जीता। इसके बाद 2019 में भी बड़खल विधानसभा सीट से जीत दर्ज की। विधायक महिपाल ढांडा को भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। महिपाल ढांडा पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट से विधायक हैं। वो 2014 और 2019 में लगातार पानीपत ग्रामीण सीट से चुनाव जीत चुके हैं। महिपाल ढांडा बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और बीजेपी के जाट नेता हैं। देखिए, हमने जो योजनाएं बनाई है ना, पहले भी आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे हमारे, पहले उनके नेतृत्व में, वो इतनी योजनाएं हैं कि उन योजनाओं पर अगर हम लोग ठीक तरीके से नीचे तक अगर वो पहुंच गई हैं, मगर अभी और आवश्यकता है कि वो ठीक ठाक तरीके से और नीचे पहुंच जाए। अगर वो योजनाएं बिल्कुल एकदम नीचे तक परफेक्ट जाके बैठ गई, मुझे नहीं लगता कि इस प्रदेश में कुछ नई चीज़ें करने की आवश्यकता रहेगी। फिर समय के अनुसार जो जो भी डिमांड्स बनती हैं, कुछ परिवर्तन होते रहते हैं समाज में भी, तो उसके अकॉर्डिंग जिस भी तरह की नई योजनाएं बना के काम करना होगा, हम सब लोग करेंगे उसको। अंबाला शहर से विधायक असीम गोयल ने भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद और गोपनीयता की शपथ ली। असीम गोयल अंबाला शहर से विधायक हैं। 2014 और 2019 में लगातार चुनाव जीत चुके हैं। असीम गोयल की संगठन पर मजबूत पकड़ है और बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के करीबी माने जाते हैं। एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी जो दी है, अरे भाजपा में ही संभव है। तो लोक कल्याण और जन कल्याण की नीतियों को नीचे तक उतारेंगे और हरियाणा नई बुलंदियों को छुए, नई ऊंचाइयों को छुए, इसके लिए काम करेंगे। हरियाणा में आपकी प्राथमिकता क्या है? अपनी विधानसभा से अलग पूरे हरियाणा को आप कह देखते हैं? मैंने कहा कि लोक कल्याण की नीतियों को और नीचे तक उतारेंगे, हरियाणा को और ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। 10-10 सीटें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की झोली में आए और तीसरी बार नायब सरकार बने। थानेसर से विधायक सुभाष सुधा को भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। उन्हें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सुभाष सुधा ने 2014 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा था। 2014 में सुभाष सुधा बीजेपी की टिकट पर थानेसर से चुनाव जीत गए। उन्होंने थानेसर से कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक अरोड़ा को हराया था।
ये बहुत बड़ी बात है। और खास में ये क्षेत्रा जो है श्री कृष्ण भगवान जी की भूमि है, अर्जुन को उपदेश दिया और कृष्ण भगवान जी की भूमि पर हम सबको सौभाग्य हुआ काम करने का, मुझे विधायक बनने का भी वहाँ सौभाग्य हुआ और उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे आज संत राज्य मंत्री का प्रभाव मिला है, क्योंकि मैंने वहाँ सेवा की थी लगभग, क्योंकि जो प्रचार लेके गया अब ज्योति सर हमारा था, लगभग हमने उसमें किस प्रकार से हमने दुलेजे शोर गए, उसका चलता पानी किया और वहाँ 250 करोड़ का महाभारत का थीम बनाया। तो आज जो गीता जयंती का अवसर, वहाँ 5,000 लोग थे, आज 30 लाख लोग आते हैं, तो ये जब आशीर्वाद मिलता है लोगों के काम ईमानदारी से करने पर, मैं विश्वास आता हूँ हम ईमानदारी से आगे बढ़कर कार्य करेंगे। नायब मंत्रिमंडल में विधायक संजय सिंह को भी जगह मिली है। संजय सिंह सोहना विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उन्होंने 2019 विधानसभा चुनाव में जेजेपी उम्मीदवार को हराया था। मैं अपने केंद्र नेतृत्व का, पार्टी प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, जो मुझे इस लायक समझा और मैं ईमानदारी के साथ जो पार्टी ने मुझ पर जिम्मेवारी दी है, जब मुझे भरोसा जताया उसको पूरा करेंगे। तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी प्रदेश के लिए, अपने इलाके के लिए? लोगों को मिले, हमारा प्रदेश तरक्की करता रहे, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विकसित भारत जो आज दिखाई दे रहा है हमें, जिसको मनोहर लाल जी पूरा कर रहे हैं, उसको हम आगे बढ़ाते। इनके अलावा विधायक बिशंभर बाल्मीकि को भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिशंभर बाल्मीकि बवानीखेड़ा सीट से विधायक हैं। उन्होंने 2019 में कांग्रेस उम्मीदवार रामकिशन फौजी को हराया था। इससे पहले 2014 में भी बिशंभर बाल्मीकि ने बवानीखेड़ा सीट से जीत दर्ज की थी। इस तरह से नायब कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। सरकार के पास अब चंद महीने बचे हैं। ऐसे में नए मंत्रियों के पास कम समय में ज्यादा काम करने की चुनौती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।